Hello children, welcome back. Today we are going to study our lesson number 4, My Home, from our EVS book. So in this chapter, we will learn a house protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो घर होता है वो हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, बारिश, थीव्स यानी चोर और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर से बचाता है। अ हाउस हैज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं, वो भी बहुत सारे काम के लिए। वी लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक इट अ होम विद लव एंड केयर। हम एक हाउस में रहते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो वो होम बन जाता है, हम उन्हें लव एंड केयर करते हैं। ऑल ऑफ अस लिव इन अ हाउस। हम सब एक हाउस यानी घर में रहते हैं। वी लिव हियर विद आवर फैमिली मेम्बर्स। हम इधर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं। वी मेक अ हाउस इनटू अ होम विद लव केयर एंड बाय रिस्पेक्टिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर। हम एक हाउस को होम में लव, प्यार, केयर, किसी का ध्यान रखकर देखभाल कर और किसी की रिस्पेक्ट कर और दूसरों की हेल्प कर हम एक हाउस को होम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अ हाउस हैज़ मैनी डिफरेंट रूम्स। एक हाउस में बहुत अलग अलग तरह के रूम्स होते हैं। दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। नंबर 1, वी मेक आर गेस्ट सिट इन द ड्राइंग रूम। हम अपने गेस्ट को ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। नंबर 2, वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम। हम रेस्ट और स्लीप, हम सोते हैं कहाँ पर और रेस्ट कहाँ पर करते हैं, बेडरूम में। नंबर 3, वी कुक फूड इन द किचन। हम किचन में फूड को कुक करते हैं, खाना बनाते हैं। नंबर 4, वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। फूड कहाँ पर बनता है, किचन में, और हम खाते कहाँ पर है, डाइनिंग रूम में। नंबर 5, वी स्टडी इन द स्टडी रूम। हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, हम स्टडी रूम में। नंबर 6, वी बिकम फ्रेश एंड टेक अ बाथ इन द बाथरूम। हम फ्रेश होते हैं और नहाते धोते हैं, कहाँ पर बाथ लेते हैं, बाथरूम में। नंबर 7, वी कीप आइटम्स लाइक फर्नीचर फॉर लेटर यूज इन अ स्टोर रूम। हम अलग अलग आइटम्स को, अलग अलग फर्नीचर्स को, टेबल चेयर्स, कुछ ऐसी चीज़ों को, दिवाली लाइट्स को हम कहाँ पर रखते हैं, स्टोर रूम में। किसके लिए, लेटर यूज़ के लिए, यानी हम उनको बाद में, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं इसलिए। अबाउट अ हाउस। टू टाइप्स ऑफ हाउस आर कॉमनली फाउंड इन सिटीज़। दो तरह के हाउस सिटीज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हाउसेस कौन से होते हैं, बंगलो और फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। बंगलो एक बहुत बिग हाउस होता है, जिसको हम सिंगल स्टोरी हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स यानी फ्लैट्स बिग बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक। डिड यू नो, क्या आपको पता है, मैनी ईयर्स अगो, बहुत ही साल पहले, पीपल यूज़ टू लिव इन केव्स। जो लोग होते थे वो केव्स यानी कि गुफाओं में रहा करते थे। लेटर दे लर्न टू बिल्ड स्मॉल हाउसेस टू लिव इन। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक छोटा सा घर बनाना सीख लिया, जिनको हम हट्स बोलते हैं। हट्स यानी आप विलेजेस में अगर ज़्यादातर जाएं, पहले जाते थे तो उधर आपको हट्स मिलते थे। हट्स को हिंदी में हम झोपड़े कहते हैं, झोपड़ियाँ। अ हाउस हैज़ अ रूफ एंड वॉल्स। एक हाउस में रूफ, रूफ यानी छत, एक छत होती है, वॉल्स यानी दीवार हुआ करती है। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स।
जो हाउस है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट गर्मी, कोल्ड यानी सर्दी, रेन यानी बरसात, बारिश, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, थीव्स यानी चोर, इन सब से हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो कीप्स अस सेफ फ्रॉम विंड स्टॉर्म एंड स्नो, वो हमें विंड जोर से हवा चलती है स्टॉर्म से और स्नो से बचाता है और सुरक्षित रखता है। इट हेल्प्स अस टू स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर, ये हमें घर में जो हाउस होता है वो हमें विंटर्स में वार्म यानी सर्दियों में गर्म रखने में और कूल इन समर यानी गर्मियों में ठंडा रखने में हेल्प करता है। देन अ हाउस ऑल्सो हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज, एक हाउस के अंदर बहुत सारे डोर्स, बहुत सारे दरवाजे, विंडोज़ यानी बहुत सारी खिड़कियाँ होती है। डोर्स आर फॉर पीपल टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द हाउस और रूम्स, जो डोर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, दरवाजे आर फॉर द पीपल टू कम इन, अंदर आने के लिए होते हैं, एंड गो आउट ऑफ द हाउस और रूम्स, और बाहर जाने के लिए होते हैं, हाउस से बाहर जाएंगे या तो या रूम से बाहर जाएंगे। देन विंडोज आर फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर, विंडोज़ किस लिए होती है, खिड़कियाँ किस लिए होती है, सनलाइट की सनलाइट आए और फ्रेश एयर आए, सनलाइट यानी धूप की किरणें आए और हमें फ्रेश फ्रेश एयर भी मिले उसके साथ ही साथ, तो इसीलिए हम विंडोज़ को ओपन करते हैं और विंडोज़ भी इसीलिए घर में बनाई जाती हैं। वी लिव इन अ हाउस विद आर फैमिली मेम्बर्स, हमें घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, जैसा आपने अपने लेसन नंबर 3 माई फैमिली में देखा था, राइट, दे आर आर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर्स के साथ रहते हैं। वी ऑलवेज हेल्प एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। वी मेक अ हाउस इन टू अ स्वीट होम विद लव एंड केयर, हम एक हाउस को, एक घर को हम एक प्यारे से होम में लव और केयर के साथ स्वीट होम में चेंज करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर कीवर्ड्स, बंगलो, जैसा मैंने आपको बताया था वो एक सिंगल स्टोरी हाउस भी हम उसको कहते हैं, सिंगल स्टोरी हाउस, देन फ्लैट्स, फ्लैट्स होते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स यानी बड़ी बड़ी बिग बिग बिल्डिंग्स विद मैनी रूम सेट्स, उसमें बहुत सारे रूम्स भी होते हैं। अब हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी हैं, थिंग्स टू रिमेम्बर, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन थीव्स वाइल्ड एनिमल्स, हमें एक हाउस किससे प्रोटेक्ट करता है, किससे बचाता है, हीट कोल्ड रेन थीव्स और वाइल्ड एनिमल्स से, गर्मी सर्दी बरसात बारिश चोरों और जंगली जानवर से हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है बचाता है। देन अ हाउस हैज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एक हाउस में अलग अलग तरह के रूम होते हैं वो भी अलग अलग काम के लिए। A house has a roof, walls, many doors and windows. एक house में एक छत होती है, अलग अलग walls होती है, दीवारें होती हैं, then बहुत सारे doors और windows होती है, doors यानी दरवाजे और windows यानी खिड़कियाँ। then doors किस लिए होते हैं, लोगों के अंदर और बाहर जाने के लिए, doors are for the people to come in and go out of the house or rooms. और जो विंडोज़ होती है, विंडोज़ किस लिए होती हैं, कैन एनीबडी टेल मी, सो मैं आपको बताती हूँ कि विंडोज़ किस लिए होती है, विंडोज़ आर फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर, कि सनलाइट अंदर जा सके, अंदर आ सके और उसी के साथ फ्रेश एयर भी अंदर आ सके, इसके लिए विंडोज़ बनाई जाती है हमारे घर में। देन वी लिव इन अ हाउस with our family and make it a home with love and care, हम हाउस में रहते हैं अपने फैमिली के साथ और उस होम को, उस हाउस को हम होम में कैसे बनाएंगे, लव और केयर यानी कि प्यार और देखभाल से हम उसको होम में कन्वर्ट करेंगे।
ये इस वीडियो का पार्ट वन था, पार्ट टू जल्दी आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें, और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।